नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं चैनल सरस्तर्मा। आज मैं वो पांच फ़ोन लेके आया हूँ जो कि आज की डेट में आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, और जब ये लॉन्च हुए थे ये बहुत ही हाई प्राइस में लॉन्च हुए थे क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर आपको कैमरा बहुत अच्छा चाहिए तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये फ़ोन पुराने हैं या फिर आज के टाइम पे एडजस्ट नहीं करते हैं। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं, इनकी सारी चीज़ें, इनके प्रोसेसर, ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छे थे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फ़ोन निकल के आता है वो सैमसंग गैलेक्सी का M30 आता है, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है एक्सोनॉस 7904, और इसका फ्रंट कैमरा जो है इसका 16 मेगापिक्सल का, और रियर कैमरा आपको मिल जाएगा 13+5+5 मेगापिक्सल का। और इसका जो प्राइस है वो 9000 रुपीज़ के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेंज में लॉन्च हुआ था। और अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा फ़ोन जो आता है, दूसरा फ़ोन है वीवो का Z1 Pro। ये भी बहुत ही हाई प्राइस में लॉन्च हुआ था, और इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस की है। इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के पर्पज़ के लिए। और इसमें कैमरे भी बहुत अच्छे हैं, फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है, और रियर कैमरा आपको मिल जाता है 16+8+2। इसमें बैटरी भी बहुत अच्छी है, स्टोरेज आपको 64 और रैम आपको मिल जाती है 4GB की। तो ये दूसरे नंबर का फ़ोन था। अब जो तीसरा फ़ोन है वो निकल के आता है Realme 5 Pro। इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगी फुल HD, उसके बाद जो प्रोसेसर आपको मिल जाएगा वो भी स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर मिल जाएगा, AI कैमरे के साथ, AI प्रोसेसर है इसमें, और फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और बैक कैमरे इसमें 4 मिल जाएंगे, 48+8+2+2, जो कि आपके कैमरा बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और इसमें अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, और इसका जो प्राइस रहेगा वो लगभग 11 से 12 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। अब चौथा फोन जो है वो Redmi Note 8, जो कि अभी नया ही है, और इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD की, और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो MediaTek का मिलता है Helio G90T, जो कि प्रोसेसर गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आया है, अभी नया लॉन्च हुआ है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का, जो कि नोट 5 प्रो में आपको देखने को मिल रहा था। रियर जो कैमरा है, रियर आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे, 64+8+2+2। इसकी भी बैटरी आपको 4500 mAh के आसपास मिल जाएगी। इसका प्राइस रेंज आपको मिल जाएगा लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में अलग अलग वेबसाइट। अब जो पांचवें नंबर का फ़ोन है ये सबसे अच्छा है, और आज के टाइम में अगर आप लेते हो तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना है पुराना है, इसकी जो डिज़ाइन है वो पुरानी है, लेकिन आज भी ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में, कैमरे के मामले में, और इसकी जो बैटरी है वो भी आज भी बहुत अच्छी है। जो फ़ोन है ये है Poco F1, रेडमी का Poco F1। इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 845 मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैमरा जो मिलता है वो 20 मेगापिक्सल का मिलता है, रियर कैमरा जो मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप Poco F1 ले लीजिए। इसका प्राइस बहुत ही कम है, लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये के बीच में आपको अलग अलग वेबसाइट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे पांच फ़ोन, अगर आप लेने जा रहे हैं तो इनमें से आप पांच में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। ये प्राइस लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच में है सबकी प्राइस, और आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ये फ़ोन पुराने हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं। एक टाइम पे बहुत ही महंगे थे लेकिन आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और लाएंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कैमरे के पीछे आयुष, जय हिंद, वंदे मातरम।